नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इस चैनल का सीचित सहोत्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। तो आज है हमारे साथ दी मारुति सुजुकी बलेनो 2022 का जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, 24th of February को ये लॉन्च हुआ है। आज है, दो दिन बाद हम आज कर रहे हैं इसका रिव्यू। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे एंड यहाँ से भी जल्दी अपडेट नहीं है सो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आइए करते हैं शुरू। पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे कुछ आपको की देखने को मिल जाती है। नॉर्मल जो की आती है, जो ये बेस से जस्ट ऊपर जो वेरिएंट है ये वो है। तो इसमें आपको ऐसी की मिलती है, जो बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको सेम की ही देखने को मिलती है। फ्रंट की अगर बात की जाए तो ऐसे कुछ, सबसे पहले आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेच से हेडलैम्प आपको देखने को मिलते हैं। पुराने वाली में यहाँ तक के आपको देखने को मिलते थे, बट यही चीज़ इन्होंने अच्छी खासी बम्पर की यूटिलाइज़ करी है। हेडलैम्प्स की अगर बात करें, बेस वेरिएंट से लेके हर आगे के वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, बट इसमें आपको मिलता है हेलोजन में। एंड जो इसके ऊपर वाली वेरिएंट है उसमें आपको ये पूरा मिल जाता है LED में प्रोजेक्टर सेटअप। यहाँ पे हेलोजन बल्ब है, ये है इसका छोटे वाला बल्ब। नीचे साइड आपको इसमें फॉग लैंप नहीं देखने को मिलती। इस साइड पूरी आपको क्रोम लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाती है, सुजुकी का बहुत बड़ा लोगो। एक नया यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है। नीचे साइड आपको ऑब्वियसली आ जाएगा नंबर प्लेट। एंड इस साइड अगर आप देखेंगे बहुत हल्का सा गैप आपको देखने को मिल रहा है, बट उससे कोई खास इतनी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। कट्स एंड ट्रीसेस जो हैं कार के काफ़ी ज़्यादा न्यू है। ओवरऑल ही इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे खासे इन्होंने चेंजेस अप कर दिए हैं। सो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि कार आपको पुरानी लग रही है या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके फ्रंट की बात हम कर देंगे, अगर हम इस साइड आएँ अब सबसे पहले दिखते हैं टायर्स। सो टायर के प्रोफाइल की बात अगर कर जाएँ, 185/65 R15 inch का अच्छा खासा आपको टायर देखने को मिलता है। व्हील कप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जो सस्पेंशन है, लिटिल बिट वो सस्पेंशन भी चेंज हुए हैं ऐसा कंपनी कह रही है। सो वो चला के देखेंगे कि कितना कुछ आपको फ़र्क देखने को लगता है। इससे अगर आप देखेंगे OVMs आपको देखने को मिल जाते हैं अच्छे खासे। बॉडी के यहाँ पे लगे हुए हैं OVMs, यहाँ से ही अटैच नहीं है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब काफ़ी प्रीमियम कार्स में ऐसा आपको देखने को मिलता है। इस साइड आपके OVMs के साथ आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ए पिलर्स पे देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लैक में टच देखने को मिलता है। इस साइड आपको बीच वाले पिलर्स पे ब्लैक में टच मिलता है एंड ये काफ़ी मैट में आपको देखने को मिलता है, तो स्क्रैचेस वगैरह इस साइड आपके नहीं लगेंगे। ऊपर साइड देखेंगे तो कुछ नहीं आपको देखने को मिलता। सनरूफ वगैरह टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी नहीं आती। यहाँ पर छोटा सा एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। अंदर जाके अगर बात करी जाए तो इस साइड अगर आप देखेंगे पूरा यहाँ पे इंडिगो कलर का यूज़ इन्होंने करा हुआ है। यहाँ पे सॉफ्ट से आपको टच देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इंडिगो सिर्फ यहाँ पे डोर्स पे नहीं है, आगे तक आपका पूरा इंडिगो कलर ही यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे अच्छे खासे बॉटल होल्डर देखने को मिल जाते हैं, या जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस। एंड इस साइड आपको थोड़ा बहुत स्पेस और देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकर्स के आगे एंड अगर अंदर बैठ के देखा जाए सो ऐसा कुछ आता है। देखिए पूरा डैशबोर्ड का लुक, अगर यहाँ से थोड़ी इसकी लाइट चला दे तो वो शायद से और आपको थोड़ा दिख जाए। लाइटिंग थोड़ी कम है, मगर फिर भी यहाँ पे पूरा ये इंडिगो ही यूज़ हुआ है। इस साइड थोड़ा सा सिल्वर सा इन्होंने क्रोम देने की कोशिश करी है, क्रोम नहीं है, थोड़ा सा सिल्वर सा है, अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर का टच या जाते हैं पूरे इसके AC वेंट्स, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड ऐसा कुछ आता है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, या जाते हैं हजार्ड लैंप्स के बटन। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है बेस वेरिएंट में भी, एंड उसके ऊपर वाला जो ये वेरिएंट है उसमें भी। नीचे साइड आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा फ़ोन वोन आप रख सकते हैं। इस साइड 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट एक, एंड इस साइड आपका ऐसे ऊपर करेंगे तो USB का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गियर लीवर सेम पुराने वाली बलेनो जैसा ही है, यह आ जाता है इसका हैंडब्रेक लीवर। सेंटर आर्मरेस यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलते, बट वो तो एक्सेसरीज की चीज़ है, आप आराम से लगवा सकते हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाता है। ये ऐसी कुछ आ जाती हैं इसके हेलोजन लैंप्स, दो आपको इस साइड मिल जाते हैं एंड एक रीडिंग लैंप आपको इस साइड देखने को मिल जाता है। एंड अब उस साइड जाके करेंगे स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात। सो इस साइड अगर देखें, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्लव बॉक्स। तो इसका भी साइज़ जो है काफ़ी डिसेंट है, कोई इसमें खास आपको दिक्कत नहीं आई है, नहीं आएगी। एंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इन्होंने जो वेट है उसका भी रिड्यूस कराया है। ऐसा नहीं है कि एक जगह कहीं पे वेट पा दिया, इन्होंने 50 kg अराउंड जो ओवरऑल जो मेटल शीट्स इसमें यूज़ हुई हैं कार में, तो उसका जो है वेट इंक्रीज़ कराया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। सो यहाँ से अगर आप लुक देखेंगे ऐसा कुछ इसका लुक आता है। सो इस साइड अब अगर अंदर जाके बात करी जाए, सो इस साइड अगर आप देखें पावर विंडो के स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ये पूरा इंडिगो में। यहाँ पे भी आपको मटेरियल देखने को मिल जाता है, चार पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे और टॉप डाउन आपको देखने को मिल जाता है। एंड लॉक एंड लॉक के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं।
ये इस साइड आगे जो आपके मिरर्स हैं वो फोल्ड एंड फोल्ड, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो बाहर वाले मिरर्स हैं उनको ही जॉयस्टिक आ गई हुआ भी है उसको सारों को सेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड इस साइड अगर आप देखेंगे ये आ जाती है ताकि ये ऊपर वाली आप ऐसे एडजस्ट कर सकें, बट फिलहाल इसको कर देते हैं पीछे, थोड़ी ज़्यादा आगे हो चुकी है। सो इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ये नहीं देखने को मिलती, सिर्फ आगे पीछे आप कर सकते हैं। एंड इस साइड बात करें सो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको देखने को मिल जाता है कि जैसे अगर आप रेड लाइट वगैरह पे रुके हैं तो कार अपने आप ऑफ हो जाएगी, क्लच दबाने पे अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आ जाता है लाइट लेवलर्स, ये थोड़े से खाली स्विचेस। और आपको फ्यूल लिट खोलनी है तो यहाँ से खोल सकते हैं, इसको ऐसे ऊपर करके इंजन आपको खोलना है वो यहाँ से आप खोल सकते हैं। सो इंजन अगर खोल के देखा जाए, सो जैसे अगर बोनट खोल के देखा जाए सो इंजन जो है उसमें तो भाई इन्होंने चेंजेस कर ही दिए हैं, जैसे कि सारी जगह हम सुन ही रहे हैं कि इंजन में चेंजेस करें, सो हाँ यार इंजन हैवी भी लग रहा है, मतलब दो बंदे उठा रहे इसलिए नहीं, बट वैसे भी मुझे ये हैवी लग रहा है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन के लिए यहाँ पे पैडिंग दी गई है, एंड वैसे भी मतलब जो है ना उठा के लग रहा है कि हाँ भाई भारी है, लोहा तो भारी इन्होंने भी यूज़ करा है। बिकॉज सुजुकी की काफ़ी बेइज्जती हो रही थी सब में कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं दे रही, सो अब इन्होंने वो काम कर दिया है। इंजन जो है वो चेंज हो चुका है, फोर स्ट्रोक आपको मतलब फोर सिलेंडर इंजन मिलता है, मगर ये डुअल जेट इंजन अब आ चुका है 1200 cc पेट्रोल वाला, डीजल में आपको अब नहीं देखने को मिलता है। सो ऐसा कुछ इंजन है, अगर डीजल आता है आगे कभी, जो भी उम्मीद कम है, मगर डीजल आता है तो यहाँ पे जो खाली खाली आपको जगह दिख रही है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगी पूरे अच्छे से। एंड फ्रंट के जो स्प्रेज हैं आपको दो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सर प्लीज़ ये बंद कर दीजिए ज़रा। सो अब अगर अंदर जाके बात करी जाए आगे की, सो इस साइड देखिए ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, सेम आपका सुजुकी की तरफ से जो स्टीयरिंग व्हील आता था, मतलब जो स्विफ्ट में स्टीयरिंग व्हील आता वही सेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसको आपने करना है अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, सो ये देखिए इसमें टिल्ट आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, टेलीस्कोपिक मिलेगा आपको ऊपर वाले वेरियंट्स के अंदर। यहाँ पे देखेंगे आ जाते हैं इंडिकेटर के स्विचेस, इस साइड अगर आप देखेंगे ये आ जाते हैं सारे वाइपर के स्विचेस, वॉइस कमांड, कॉल कट रिसीव के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे मोड का बटन, वॉल्यूम अप डाउन के रॉकर्स, म्यूट करने के लिए, ये सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हम आपको दिखा चुके हैं, अगर कीज की लगा के देखी जाए, बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यू सा फ्रेश सा इसका यहाँ पे लग रहा है। एक सेकेंड इसको हिलाई, हाँ थैंक यू सर। सो ये देखिए सर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका बहुत ज़्यादा फ्रेश सा इन्होंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है, वाइट लाइट के साथ आता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेंज ये कितने के एवरेज वगैरह वो सब आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, साथ में क्लॉक आ रही है, ये यहाँ पे जैसे फ्यूल की जो वार्निंग है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड जब आपका फ्यूल होगा कम, सो इसका मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जैसे कार चला रहे हैं और अगर आपका फ्यूल कम हुआ है तो वो यहाँ पे ऐसे बोलेगी कि भाई फ्यूल कम हो चुका है, भरवा लीजिए, कायदे में रहिए। सो वो यहाँ पे आपको मतलब बोलने वाला फीचर यहाँ पे दिख जाता है। सो इस साइड ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, एंड डोर खुला है तो वहाँ पे उसकी वार्निंग आ रही है, एंड ये बीप कर रहा है तो फिलहाल इसको कर देते हैं हम बंद। सो अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें जाए, सो देखिए ऐसा कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाए, टच जो है ठीक है, टच रिस्पॉन्स तो कुछ ख़राब आपको टच रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। सो अच्छा खासा आपको यहाँ पे इन्होंने देने की कोशिश करी है। सो इसमें अगर आप लाइट्स देखेंगे ना अंदर, सो यार ये देखिए ऑरेंज सी लाइट्स इन्होंने देने की कोशिश करी है, जो कि यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी ऑरेंज लिख रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ्रेश सा इसको लुक देने की कोशिश करी है। एंड अब अगर इसके हेडलैम्प जो है उनको जला के देखा जाए, तो हेडलैम्प्स देखेंगे ऐसे कुछ आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड अब अगर पीछे के हेडलैम्प्स दिखाए जाए, सो ये देखिए पीछे के आपको ऐसे कुछ नीचे तीन में आपको हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। ब्रेक प्रेस करियो, सो अगर ब्रेक प्रेस करी जाए, सो ये यहाँ पे ऐसे कुछ LEDs यहाँ पे जलती हैं, एंड एक आपके ऊपर हेमाउंट ब्रेक लाइट, सर अब बंद कर दीजिए। सो हाँ ये ऐसे कुछ इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर पीछे जाके बात करी जाए, सो मेन जो आता है कि पीछे की स्पेस कितना है, सो देखिए इस बलिनो में अब इन्होंने क्या करा है, जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम कर दी है। लेंथ कम करने का रीज़न ये है, जो इसका बूट है हल्का सा कम कर दिया है, बट जो स्पेस है यहाँ पे इधर साइड जो इन्होंने स्पेस है वो बढ़ा दिया है। सो सबसे पहले हम आगे वाली सीट जो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जैसे आई एम 5'10" 11". सो अब हम देखते हैं कि अपनी हाइट के हिसाब से जब हमने ये सीट करी सेट, सो हाँ ये मेरे हिसाब से हो चुकी है। अब देखते हैं कि पीछे कितना स्पेस बचता है, अगर 5'10" 11" बंदा कोई आगे बैठा है तो पीछे वालों को कितना स्पेस देखने को मिलेगा। सो ये देखिए भाई स्पेस, मतलब आप देख रहे हैं कितना एम्पल आपको लेग रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब नी रूम इतना है, लेग रूम भी अच्छा खासा है, जो बीच में हम्प है वो भी ज़्यादा नहीं है, तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं, दोनों लाते एक एक साइड करके आराम से बैठ सकते हैं। ये थोड़ा कभी होल यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रखने के लिए,
नीचे आपको 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, एंड जो ऊपर वाले मॉडल हैं उसमें एक 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट एंड एक साथ में आपको सी टाइप या यूएसबी वाला भी चार्जिंग के लिए मिलेगा। डुअल एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड हैं ही, ऐसा कुछ आता है इसका यहाँ से अगर आप देखेंगे इंटीरियर का लुक, जो कि मुझे यार सही में जो अपडेट होता है वो इन्होंने यहाँ पे करा है। इस साइड अगर आप देखेंगे सेंटर आमरेस वगैरह नहीं आपको देखने को मिलती, मगर एक बहुत बढ़िया चीज़ है सो ये देखिए चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ऐसी चीज़ें इस कार में ऐड कर रही हैं जो कि यार फर्स्ट इन सेगमेंट है, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस वेरियंट में भी डुअल एयर बैग, सिक्स एयर बैग्स एंड साथ में आपके जैसे आगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के बटन, सो वो यूजुअली नहीं दिखते थे इस सेगमेंट में। सो अब अगर यहाँ पे हेडरूम की बात की जाए सो अच्छा खासा आपको हेडरूम भी देखने को मिलता है, इतनी कुछ खास आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोट के अगर हुक देखेंगे यहाँ पे एक हुक आपको देखने को मिल जाता है, इस साइड आपको कोई हुक नहीं देखने को मिलता है। सो अब चलते हैं पीछे एंड बात करते हैं कि आपको ट्रंक में कितना कैसे स्पेस देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जैसे एक ही पावर विंडो का स्विच एंड ये नॉर्मल हैंडल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, एंड पीछे भी ये इंडिगो से ही इन्होंने कवर करा है। सो अब चलते हैं पीछे की साइड। सो पीछे साइड आपको जैसे कि बेस वेरियंट नहीं है, मतलब फिर भी बेस वेरियंट में भी एंड उसके हर एक वेरियंट में बलिनो के डी फॉगर आपको देखने को मिलता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप देखने को मिलती है, अच्छा खासा एंटीना भी देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड आपके पास यहाँ पे आ जाता है स्पॉइलर। सो ये देखिए ऐसा कुछ आपको स्पॉइलर भी देखने को मिलता है। पीछे से अगर आप लुक देखेंगे कार की बहुत ही शानदार इन्होंने लुक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लाइट्स आती हैं, ये फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल यूनिट सिर्फ ये वाली है, नए से डिज़ाइन में बलिनो इन्होंने लिखा हुआ है। एंड अगर आपको खोलनी है पीछे से डिक्की, मतलब जो इसका ट्रंक खोलना है, सो नीचे साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, उसे प्रेस करिए, सो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पार्सल ट्रे आ जाती है, जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, 10-15 इंच का यहाँ पे गैप है अगर आपको सामान रखना है, सो उठा के यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि यार काफ़ी ठीक है, कुछ इसमें खास आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आपको बंद करनी है यहाँ से पकड़ के आप कर सकते हैं बंद। एंड अगर आपको सेंसर देखने हैं तो चार आपको सेंसर देखने को मिलते हैं, कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करी गई है, ये आ जाते हैं आपके रिफ्लेक्टर्स एंड चार आपके अच्छे खासे सेंसर देखने को मिलते हैं। एंड जो कैमरा है सो कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं देखने को मिलता, जो अगले वेरिएंट से उसमें आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल इन्होंने बहुत ज़्यादा अपडेट्स करे हैं जो कि नेसेसरी थे, बहुत टाइम पहले कर देने चाहिए थे बट अब इन्होंने फाइनली कर दिए, तो ये इनको हम थम्स अप देना चाहेंगे सुजुकी वालों को। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको जल्दी से जल्दी नए से नए अपडेट मिलते रहे। ये आगे है इस वेरिएंट की, अब होगी उस वेरिएंट की, मतलब जो आगे भी वेरिएंट्स हैं बेस वेरिएंट को छोड़ के तीनों वेरिएंट्स की मैं वीडियो बनाऊंगा, सो वो भी ज़रूर आप चेकआउट करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।